वेलकम यू गाइस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है, हमने एक यूनिट कंटिन्यू की हुई है बीएससी पार्ट सेकंड के लिए, यूनिट सेकंड अल्कोहल्स। उसका अगला नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को ख़त्म करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर जाएंगे। देखेंगे उसका एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है और उसका ये अल्कोहल जो होते हैं इनको अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो क्यों होते हैं और क्या क्या रिएक्शंस देते हैं इस अम्लीय प्रकृति की वजह से, वो सभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा अल्कोहलों का निर्माण कर रहे थे। तो हमने वहाँ पर देखा था एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड हैलाइड्स, उनके अपचयन से किस प्रकार अल्कोहलों का निर्माण होता है। अपचयन के लिए हम विभिन्न प्रकार के रिएजेंट्स यूज़ किए थे, जैसे हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ किया था। इसके अलावा हमने उनका उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण कराया था, यानी हाइड्रोजन का एडिशन कराया था किसी उत्प्रेरक मेटल की उपस्थिति में, ठीक है। इसके अलावा हमने उनका क्या कराया था, ब्यूवो ब्लांक रिएक्शन देखा था हम लोगों ने, किस प्रकार से होता है, फ्री रेडिकली होता है और इसी तरह से उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण भी फ्री रेडिकली होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और कार्बोनिल यौगिक, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह भी तो एक कार्बोनिक यौगिक है, लेकिन इसका अपचयन उस प्रकार से नहीं होता है जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अपचयन में, तो हम देखते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल हम जानते हैं, जब किसी R ग्रुप से ये समूह जुड़ा हुआ हो तो इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या हैं, ये हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस OH समूह के आध जगह पर ये लगा दूं OH है, OH में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा दिया, एक R ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या है? इतना ग्रुप तो यही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन क्या लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एस्टर, यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है। क्या है? व्युत्पन्न है। इसके अलावा RCOCl, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, एसिड हैलाइड। ये एस्टर, ये क्या है, एसिड हैलाइड। तो हम देखेंगे कि कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न जैसे एस्टर है, एसिड हैलाइड है, इनके अपचयन द्वारा भी हम अल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से शुरुआत करेंगे। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जैसा कि हमने पीछे देखा था एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में हमने दो तरह के हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएजेंट लिए थे, एक लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक लिया था हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड। और कल हमने बताया था कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये ऑलमोस्ट हर अपने सामने आने वाले हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, सिर्फ कुछ एक आध को छोड़कर। वो हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अगर हम इसका रिडक्शन कराएं सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि बोरोन है, बोरोन का साइज़ ये है, हाइड्रोजन का साइज़ ये है, दोनों सेम साइज़ के हैं, तो ये जो बॉन्ड बनता है ये ज़रा स्ट्रॉन्ग बनता है, तो आसानी से नहीं टूटता, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं होगा, यानी कि रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में देखा था अगर एल्यूमिनियम का साइज़ ये है
तो हाइड्रोजन का साइज ये है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। दूसरा हम देखें तो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है, ये सिलेक्टिव नहीं है, हर एक ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराएंगे वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ना करा करके किससे कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। वैसे अच्छा तो मुझे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लगता है क्योंकि हर एक चीज़ को रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर बहुत लोअर रखना पड़ता है, दूसरा ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, इसलिए इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही होंगी। इसके अलावा हम और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोरेन एलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिडक्शन के लिए, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे जब हम रिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, अपचयन का चैप्टर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब देखेंगे आप उसे। या हो सकता है आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए हों बेसिक उसका। हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी क्रियाशीलता कम होने के कारण यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। जैसे मैं कह जैसे हमने ये ले लिया, ये ले लिया हमने CH3COOH, क्या है ये, एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये, एसिटिक अम्ल है। इसका हमने रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें कुछ अम्ल भी लेना पड़ेगा यानी H3O+ अम्ल और वाटर एसिड हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ेगा इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एसिड हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखेंगे फिर प्रोडक्ट लिखते हैं हम, या फिर प्रोडक्ट लिख दें, क्या मिलेगा CH3CH2OH। अब मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन होना है, ये रिएक्शन कैसे हुआ, अम्ल से अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार हुआ देखते हैं। ये लिया है हमने CH3COOH, ये क्या है, अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल होते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, H+ देते हैं, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये बहुत पोलर होता है, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये आसानी से क्या दे सकता है, H+ दे सकता है क्योंकि ये अम्ल है। और अगर हम हमारा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखें तो ये क्या देता है, इस पर नेगेटिव Li+ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या देता है, ये हाइड्राइड देता है H-, ये एसिड है, ये क्या देता है H+, तो क्या कर लेगा H-। पहले तो हमने देखा था जहाँ एल्डिहाइड और कीटोन्स थे वहाँ पर ये जो H- था इस कार्बन पर अटैक कर रहा था, कार्बोनिल ग्रुप पर, लेकिन यहाँ पर तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है भाई, यहाँ क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, यानी कि H- यहाँ पर अटैक करे उससे पहले ये क्या ले लेता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ मिल ले लेता है, और क्या बना लेता है, H- और H+ मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 गैस बना लेते हैं, और H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो पहला स्टेप तो यही होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक ना करके क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा हमारे पास CH3CO, O पर क्या आ जाएगा,
नेगेटिव चार्ज, किससे स्टेबलाइज होगा ये, एल आई से स्टेबलाइज होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना ए एल एच थ्री, एच माइनस इसने दे दिया, बचा क्या ए एल एच थ्री। अब ए एल एच थ्री जो होता है ये तो हम जानते हैं, अब तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट है, और न्यूक्लियोफाइल का काम ये तभी करता है, एच माइनस क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे देने के लिए, और न्यूक्लियोफाइल तभी काम, कोई भी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी काम करेगी जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसकी अष्टक पूरी हो, यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो वो दान दे पाएगी। इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से दान देगा, ये तो बेचारा खुद भिखारी है, खुद गरीब है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी था इसने दान में दे दिया पहले ही, अब खुद गरीब हो गया है, तो अब क्या करे बेचारा। तो होगा क्या, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इसको क्या ज़रूरत है, इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसको किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या बना लेगा ये, आगे दिखाऊँ, मैं नीचे दिखा देती हूँ, क्या बना लेगा ये, कुछ ऐसे हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और ये किससे जुड़ जाएगा, ए एल एच थ्री से जुड़ जाएगा। अब जैसे ही इसने चार बॉन्ड बनाए एल्यूमिनियम के, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इस पर फिर से क्या आ गया, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब ये क्या कर सकता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर सकता है, यहाँ ऑक्सीजन ने देखा तो 3 बॉन्ड बना लिए, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पहले से ही नेगेटिव है, एल आई के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या है, पहले से ही नेगेटिव है, एल आई के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और विद्युत ऋणात्मक तत्वों पर धनात्मक आवेश स्टेबलाइज नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H- को निकालेगा, और ये H- क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा सी एस थ्री सी ओ ए एल एच टू, एक एच माइनस तो इसने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इस कार्बन पर, या मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, क्लियर नहीं ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, यहाँ पर हाइड्राइड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इस कार्बन पर अटैक किया, और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल ए एल एच टू बचा, और क्या है यहाँ पर, ओ एल आई है, ठीक है, यहाँ यहाँ लिख, इस तरह से लिख लूँ, ओ माइनस एल आई प्लस, इसके बाद क्या होगा, ये जो ओ माइनस है ये वापस आएगा इधर, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये बाहर निकल जाएगा, ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमें मिलेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, ये बाहर निकल गया, ये क्या हुआ, ये बाहर निकल गया, और हमको क्या मिला, एसिड से हमको क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। अब एल्डिहाइड आ गया है तो आगे का रिएक्शन आप जानते ही हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा एल्डिहाइड के साथ, कल करा चुकी हूँ मैं, तो क्या होगा आगे, आगे रिएक्शन में क्या होगा, दिख रहा है क्या, क्या होगा आगे, ये है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो हमारे पास क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा हमारे पास, ये यहाँ से क्या करेगा, एच माइनस ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, कल हम देख चुके हैं मैकेनिज्म, तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो ओ एल आई बनेगा, और यहाँ पर हाइड्राइड आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्राइड है, फिर क्या होगा, ए एल एच थ्री था तो ये ओ माइनस क्या करेगा, ए एल एच थ्री पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ ए एल एच थ्री, इस पर क्या जाएगा, माइनस आवेश, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और एंड में हम क्या कर लेंगे, हमने क्या लिया, एच थ्री ओ प्लस, तो हम इसका वर्कअप करा देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहाँ से H प्लस ले लेगा, और क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सी एच थ्री ओ एच सी एच टू, तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, क्या बन गया ये, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, इथाइल एल्कोहल। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्लों से रिडक्शन द्वारा अल्कोहलों का निर्माण होता है, और हमने देखा कि इसका जो मैकेनिज्म है, जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो मैकेनिज्म देखा था उससे थोड़ा सा अलग है, एसिड से पहले क्या बना, एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड से क्या बना, अल्कोहल का निर्माण हुआ।
तो नोट कर लीजिए, इस तरीके से इसका रिडक्शन होता है। फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही हम एस्टर द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एस्टर के द्वारा हम एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। शायद मैं पिछले लेक्चर में एस्टर से करा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद मैंने करा दिया है। नहीं भी कराया हो तो आप देख लो, एस्टर क्या होते हैं, COO कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ले लिया मैंने, वर्कअप कराना पड़ेगा, H3O प्लस ले लिया, तो क्या होगा, ये जो है यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, RCOLi, और यहाँ पर H आ गया, और ये क्या है, OR' है। फिर क्या होगा, जब हमने देखा था, कल भी बताया था कि जहाँ पर तो एक लीविंग ग्रुप मौजूद है, जबकि लीविंग ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, CH3R ग्रुप होता, ऑक्सीजन ना होता यहाँ पर R ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो ये लीविंग ग्रुप नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, फिर हम यहाँ पर वर्कअप करा देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लीविंग ग्रुप है हमारे पास OR', तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो OR- क्या हुआ, बाहर निकल गया, और बचा क्या हमारे पास, RCO, RCHO बचा, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो अब फिर से क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा और क्या होगा, वही रिएक्शन हो जाएगी, RC पहले OLi बनेगा, उसके बाद यहाँ H था, फिर ये किस पर अटैक करेगा, AlH3 बचा हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा AlH3 पर, क्या बना लेगा, RCOAlH3- H और H। फिर हम इसका क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे, वर्कअप करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, RCOH और H2, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। तो इस प्रकार हम कार्बोक्जिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। एस्टर का और एसिड का हम क्या भी कर सकते हैं, उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण भी कर सकते हैं, यानी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी उसका अपचयन हो जाएगा और किसका निर्माण होगा, एल्कोहलों का निर्माण होगा। तो ये कुछ मुख्य विधियाँ थी जिनके द्वारा हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का निर्माण कर रहे थे। ये जितने भी एल्कोहल हमने बनाए थे वो सब कैसे थे, मोनोहाइड्रिक, यानी कि जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इस तरह के एल्कोहल बनाए थे। अब हम देखते हैं कि इन एल्कोहलों के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस देती हैं ये एल्कोहल। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, जानते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 12th में पढ़ा होगा, आई थिंक ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़े होंगे 12th में, मैकेनिज्म पढ़ा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैकेनिज्म मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, क्या क्या गुण होते हैं, सबसे पहला गुण लिखें, तो ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, सभी नहीं,
एल्कोहल भी ना दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं निम्नतर एल्कोहल और एक होते हैं उच्चतर एल्कोहल। निम्नतर के अंदर ये आते हैं CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH, यानी कि ब्यूटेनॉल तक। कहाँ तक हैं? ब्यूटेनॉल तक। ब्यूटेनॉल तक जो अल्कोहल हैं इनको निम्नतर अल्कोहल कहा जाता है। और इसके ऊपर जितने भी अल्कोहल हैं आर ग्रुप, जो जो जैसे जैसे आर ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो उच्चतर अल्कोहल हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उनके गुण जो होते हैं, वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और उनकी जो क्या कहते हैं फिजिकल अपियरेंस होती है, इनकी कैसे दिखाई देते हैं, जैसे ये है ये द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि जो उच्चतर अल्कोहल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो कुछ डिफरेंस है, तो हम ऐसे लिखेंगे निम्नतर और उच्चतर अल्कोहल। तो निम्नतर अल्कोहल की बात करें तो निम्नतर अल्कोहल क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, जल में विलेय होते हैं। इसके अलावा रंगहीन होते हैं, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, गंधयुक्त व तीखे स्वाद वाले होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन, जल में विलेय, गंधयुक्त, तीखे स्वाद वाले होते हैं। दूसरा देखा जाए उच्चतर अल्कोहलों की बात करें तो जो उच्चतर अल्कोहल होते हैं ठोस होते हैं, वो भी कैसे, मोम जैसे ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कैसे? मोम जैसे ठोस होते हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो जो निम्नतर अल्कोहल होते हैं, निम्नतर अल्कोहल होते हैं, इनके इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अल्कोहल के अंदर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हम देखते हैं अभी ये कुछ मेन गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉर्मली हमको अल्कोहलों में देखने को मिलती हैं। क्या क्या है? रंगहीन, जल में विलेय, गंधयुक्त व तीखे स्वाद वाले होते हैं, जबकि उच्चतर अल्कोहल जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, ठोस होते हैं और ज़्यादा सॉलिड नहीं होते, मोम जैसे ठोस होते हैं, जितना मोम ठोस होता है उतने ही ठोस होते हैं। जो निम्नतर अल्कोहल होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यों इनके गलनांक और क्वथनांक इतने हाई हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हम देखते हैं कि अल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। और अगर हम एक और चीज़ देखें, जैसे हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है, एक 2 डिग्री अल्कोहल होता है, एक 3 डिग्री अल्कोहल होता है, तो अगर हम क्वथनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री का सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल श्रृंखला बढ़ जाती है। वो बताएंगे हम क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट पड़ता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होने का गलनांक और क्वथनांक पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री का क्वथनांक सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, और 3 डिग्री का क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा आप सभी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जो हमारे विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, जैसे कि कौन से हैं, फोन, क्लोरीन भी होता है, ऐसे बोलते हैं ना, फोन कॉल क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन के साथ कुछ एक अलग केस है, उसको हम जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी आपने फर्स्ट ईयर में, तब डिस्कस किया होगा कि क्लोरीन के साथ कुछ अलग केस क्यों हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी शो करता है कभी शो नहीं करता, क्या रीज़न है वह देखेंगे कहाँ कहाँ पर शो करता है। फर्स्ट ईयर में देखा होगा आपके चैप्टर में है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यानी कि जैसे ये ले रहे हैं, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, अल्कोहल में क्या ग्रुप होता है, आर ओ एच, यहाँ पर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पोलराइज, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये पोलराइज होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस हो जाता है, यानी कि बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, क्या करेगा, यहाँ से लिखूं, क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और इसकी आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम, ये जो बना इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता है, ये केवल एक आकर्षण बल है, वीक इंटरैक्शन है, क्या है, एक दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, वीक इंटरैक्शन है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, केवल क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में एक आकर्षण बल है, इसी को हमने, इसीलिए हम किसे किससे दिखाते हैं, डॉट डॉट से दिखाते हैं, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हम जानते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है अंतराण्विक और एक होता है अंतः आण्विक। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, एक तो होता है अंतराण्विक, इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है अंतः आण्विक, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक इंटरमोलिकुलर होती है और एक इंट्रामोलिकुलर होती है। इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के इंटर यानी बीच में, तो जो इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, यानी कि जैसे ये जो बनाई हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक मॉलिक्यूल ये है अल्कोहल का और एक मॉलिक्यूल ये है अल्कोहल का, तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक ही क्या कहते हैं, एक ही तरह के हैं, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स तो हैं, अलग अलग तो हैं, एक में आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, है ना, तो इनके इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे वाटर में देखें क्या होता है, ये दूसरे के हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, तो जो इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसी को क्या कहते हैं हम, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में जो इंटरैक्शन होती है, जो आकर्षण बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर मौजूद है अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या है इंटरमॉलिकुलर। और एक होती है अंतःआणविक इंट्रामॉलिकुलर, यानी मॉलिक्यूल के इंट्रा अंदर, यानी कि इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं होती, बल्कि मॉलिक्यूल अपने ही अंदर क्या कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लें हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्या है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये कैसा होगा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये क्या कर लेता है नाइट्रोजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है लेकिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं हुई है, बल्कि मॉलिक्यूल ने क्या किया है खुद अपने ही अंदर, यानी अपने ही किसी पोजिशन पर जुड़े हुए ग्रुप के साथ क्या कर लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया है। तो इसे क्या कहते हैं अंतःआणविक हाइड्रोजन बंध। तो इनके क्या इफेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है अंतःआणविक और अंतरआणविक, इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं अल्कोहल पर देखते हैं। आपने देखा अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अल्कोहल में क्या होती है अल्कोहल में दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कौन कौन सी, एक तो होती है अंतरआणविक और अंतःआणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अल्कोहल के अंदर दोनों पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स में दोनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। कुछ अल्कोहल्स होते हैं जिनमें केवल अंतरआणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कुछ अल्कोहल्स होते हैं जिनमें अंतरआणविक तो होती ही है साथ में अंतःआणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, और इनके उनकी प्रॉपर्टीज पर अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। जैसे कि ये आपने नोट कर लिया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है, कैसी कैसी होती है अंतःआणविक और अंतरआणविक, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल पर। तो जो हमारी निम्नतर अल्कोहल हैं देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अल्कोहल पर प्रभाव देखते हैं क्या प्रभाव होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अल्कोहल्स के ऊपर। तो हम देखते हैं पहला प्रभाव क्या है कि जो निम्नतर अल्कोहल होते हैं, हमने देखा था निम्नतर अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जो हमारे निम्नतर अल्कोहल हैं जैसे मिथाइल अल्कोहल है, ये क्या करता है जो हमारा वाटर होता है इसके साथ क्या कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये जल में बहुत ज़्यादा विलय होता है। क्या होता है जल में बहुत ज़्यादा विलय होता है। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल भी जल में विलय होता है, ऐसे ही हमारा प्रोपाइल अल्कोहल भी जल में विलय होता है, लेकिन जैसे ही हम ब्यूटेनॉल से आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो जल में विलयता हो जाती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। क्यों, इसकी वजह से ये जो R ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है, क्या है ये एल्काइल को R से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इस एल्काइल समूह की वजह से जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ती जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है। क्यों भाई, अरे हमको दिख रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होगी हाइड्रोजन की वजह से। अब तुम कहोगे यहाँ कार्बन से भी तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाँ भाई कार्बन से हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है लेकिन कार्बन विद्युत ऋणात्मक तो नहीं है ना, इतना विद्युत ऋणात्मक तो नहीं है जितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाती है तो मैं कह सकती हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जल में विलय होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जल में विलय, जल आकर्षी, एक होते हैं जल आकर्षी और एक पार्ट होता है जल प्रतिकर्षी। तो इसमें दो तरह के पार्ट हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है जल आकर्षी, यानी जल को आकर्षित करता है ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है एल्काइल पार्ट
ये कैसा होता है? वाटर रिपेलेंट, जल प्रतिकर्षी होता है। हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर से डर लगता है, फोबिया होता है इसको, डरा हुआ होता है बेचारा को, हाँ बहुत डर लगता है वाटर से, तो वाटर को अपने पास आने ही नहीं देता, यानी घुलने ही नहीं देता, ठीक है, खुद घुलेगा ही नहीं वाटर में ऐसे। लेकिन ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, जल आकर्षी है, यानी हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग है, इसको वाटर से बहुत प्यार है, ये वाटर को मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और घुल जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन चेन की संख्या बढ़ती जाती है, चेन में कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, जैसे जैसे आर ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो किस कौन से पार्ट की संख्या बढ़ रही है, जल प्रतिकर्षी जो पार्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और जो जल आकर्षी पार्ट है वो तो लिमिटेड ही है ना। तो होता क्या है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत वीक हो जाती है, और बहुत वीक हो जाती है इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे उच्चतर एल्कोहल हैं वो जल में विलय बहुत कम होते हैं, उनकी विलयशीलता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि विलय किसकी वजह से थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती जाती है, तो उनकी जल में विलयता भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहला क्या इफेक्ट पड़ता है कि निम्नतर अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ये देख लिया आपने, जबकि क्या देखें यहाँ पर देखें, जबकि उच्चतर अल्कोहल में एल्किल समूह, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के कारण, उच्चतर अल्कोहलों में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, जिससे उनकी जल में विलयता भी क्या होती है, कम होती है, जल में विलयता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक रीजन, एक प्रभाव तो ये है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया, मिटा दूं। दूसरा प्रभाव देखते हैं हम, दूसरा प्रभाव देखें, दूसरा ये है कि जब अंतरार्णविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अंतरार्णविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, अणुओं का संगुणन हो जाता है, यानी अणुओं का संगुणन एसोसिएशन हो जाता है, जिससे उनके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, देखा हमने क्या होगा, ROH है, क्या करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में आएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे, संगुणन हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, संगुणन एसोसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन हाइड्रोजन बॉन्ड को मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन
अंत है आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते नहीं हैं, क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह से जब संगोड़न, इस तरह से जब मॉलिक्यूल के अंदर अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके कंपैरिजन में देखें तो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। जबकि यहाँ देखें ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ संगठित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, वैसा तो नहीं खुद के साथ भी बनाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी बनाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होगा ही नहीं, संगठित होगा ही नहीं, तो फिर इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे नहीं, क्योंकि हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जितनी अतिरिक्त ऊर्जा हमें यहाँ देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, उतनी ऊर्जा हमें यहाँ खर्च नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। इसीलिए तो कहते हैं एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक होता है हमारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल। तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है ऑर्थो से। क्यों? क्योंकि ऑर्थो में क्या हो रही है, अंत आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा। जबकि पैरा में देखें तो ये ग्रुप इधर है और ये ग्रुप इधर है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्यूल खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये खुद के साथ तो नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ तो कर सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। तो यहाँ पर संगठन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसलिए जहाँ पर भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, और अंतः आणविक होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। तो समझ में आया? तो क्यों, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगठन नहीं हो रहा है, और जबकि यहाँ पर संगठन हो रहा है इसलिए वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से अल्कोहलों के गुणों को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अल्कोहलों की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये क्या क्या केमिकल रिएक्शंस देते हैं अल्कोहल, और इनके जो एसिडिक नेचर होता है अल्कोहलों का, उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और क्यों होता है एसिडिक नेचर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आने वाले 6 लेक्चरों में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 या 7 लेक्चर इतना तो लगेगा एक यूनिट में, ऑर्गेनिक की एक यूनिट में कम से कम 10 लेक्चर तो मान के चलो मिनिमम, वो भी तब जब जल्दी जल्दी करा दिए जाए। एक एक चीज़ एक एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की, और जल्दी ये चैप्टर ख़त्म करके हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।